इंडिया बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, जिसके लिए बोले हैं कि हर कोई टीम भारत को हराने ही आती है और भारत इतनी आसान टीम है कि हर किसी से हार जाती है। जैसे कि इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, इंग्लैंड के साथ किया था, जो हर कोई टीम यही तमन्ना लेकर के आती है कि हमको हरा देगी, लेकिन उसके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं कि उनको भी पता है कि हिसाब से हरा करके भेजते हैं, वही हिसाब बांग्लादेश के साथ भी होगा। लेकिन भाई हर कोई टीम साहस तो कर रही है, ये बात तो है, लेकिन देखना ये होगा, उसके कप्तान को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। लेकिन और इसी बात को लेकर मुझे लगता है भाई इस बार की सीरीज में टेस्ट मैच में विराट कोहली के तो बैट से छक्के अधिक लगने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभी स्टेडियम की दो बार दीवार तोड़ दी है और छक्के लगा करके, और ऐसा लगता है गौतम गंभीर सर बोल रहे थे कि भाई प्लेन शॉट खेलो, स्वीप शॉट खेलो, लेकिन विराट कोहली लगातार छक्के पर छक्के मारे जा रहे थे। और मैं बताऊं भाई कि इस बार ये वाली बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बहुत ही रोमांचक होने वाली है, और इसके बाद ये बता देता हूं मैं, और चीन को हरा करके भारतीय पुरुषों ने चैंपियन हॉकी टीम की बन गई है, भारत जीत गई है चैंपियन ट्रॉफी। और जिसमें एक और बात बताऊं भाई कि रोहित शर्मा और देख लेते हैं बांग्लादेश की टीम कितनी टक्कर दे सकती है थोड़ी बहुत, इसमें रोहित शर्मा कप्तान है, रोहित शर्मा के लिए टक्कर देंगे थोड़ी बहुत नाजमुल हसन सांतो, इसके बाद जसप्रीत जायसवाल है, इनकी बढ़त होगी लिटन दास से, सुमन गिल है, इनकी बढ़त होगी मोमिनुल हक से, विराट कोहली है, सलमान इस्लाम, के राहुल हसन जऊफ और ऋषभ पंत की टक्कर होगी मुशफिकुर रहीम से, और रविंद्र जडेजा की टक्कर होगी मोहम्मद हसन मीरा। ऐसे देखना जो होगा कि ऋषभ पंत और मुशफिकुर रहीम की टक्कर थोड़ी सी कैड़ी होने वाली है, लेकिन जडेजा और हसन मीराज की टक्कर देखा जाए तो बांग्लादेश के जडेजा हैं, हसन मीराज और रविचंद्रन अश्विन को टक्कर देने वाले हैं साकिब अल हसन, लेकिन साकिब अल हसन जल्दी बैटिंग करने आते हैं, रविचंद्रन अश्विन लेट बैटिंग करने आते हैं, लेकिन इतना कोई खास ज़्यादा अंतर है नहीं, वो मैच भारत में है तो भारत का पलटा भारी है, लेकिन इससे अभी तक मैच जीती नहीं है, ये सीरीज जीतने की बात कर रही है बांग्लादेश की टीम। और एक और बात बताऊं भाई कि इसके बाद कुलदीप यादव की टक्कर होगी नईम हसन से, और इसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं इनसे भिड़ने वाले हैं हसन महमूद, जो हसन महमूद 3/13 हैं, लेकिन भाई गेंदबाज हैं, सामने वाली टीम मैच खेलने आई है तो मैच खेलेगी। इसके बाद आकाशदीप आते हैं, जो कि आकाशदीप पर थोड़े बहुत भारी पड़ सकते हैं नाहिद राणा, लेकिन भारतीय टीम में आकाशदीप को मौका दिया गया है मोहम्मद सिराज की जगह पर, देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं नहीं, यही मौका है आकाशदीप को सेट होने का। और मैं बता दूं भाई चीन को एक और बात बताऊँ कि विराट कोहली बोले हैं कि अपने के मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद मैं बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई विराट कोहली बिजनेसमैन बनने वाले हैं, क्योंकि वो लगातार फुटबॉल खेल रहे हैं, लगातार फुटबॉल पर ध्यान दे रहे हैं। और इसके बाद मैं बताऊँ हार्दिक पांड्या बोले हैं मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ, मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ, और बोले हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट में भी अपना योगदान देना चाहता हूं, जिसके लिए मैं अपनी फिटनेस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूं और मेरी निगाहें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर हैं। और मैं बताऊं भाई कि अभी इंजमामुल हक ने एक बयान दिया था, बोले थे कि जैसे युवराज सिंह की कोई 6 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो बाबर आजम तोड़ सकता है, लेकिन उस टुड्डे से पूछा बाबर आजम खाली नंबर एक रहता है, टीम जीते चाहे हारे उसे कोई मतलब नहीं, गेंद के एवरेज के हिसाब से खेलने वाला प्लेयर छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है कोई सिंगल ढूंढने वाला प्लेयर, और भाई मोहम्मद आमिर एक पाकिस्तानी टुल्ला है जो कुछ भी बोलता रहता है, थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए बोला है कि जब रोहित शर्मा को एक ओवर में 20 रन बना देते हैं तो मैं इनको रोहित शर्मा को सबसे बड़ा महान बल्लेबाज समझूंगा। अब इस टुल्ले से पूछा तू समझ चाहे मत समझ, रोहित शर्मा महान बल्लेबाज हैं तो हैं और रहेंगे। और एक और बात बताऊँ भाई कि इसे टुल्ले ने जब बोल ही दिया है तो इस टुल्ले को बता दो कि भाई रोहित शर्मा एक ओवर में 20 तो क्या, एक ओवर में 30 रन बना देंगे जब वो इसका करियर यहीं से बर्बाद है, बर्बाद तो पहले से ही है, क्योंकि जिसको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या प्लेइंग 15 में भी जगह नहीं मिल रही है। और अभिषेक शर्मा बोले हैं कि मैं अपनी लाइफ में ट्रेविस हेड जैसी बल्लेबाजी कर करके भारतीय फैंसों का दिल जीतना चाहता हूं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुछ इनको मौका मिलता है टीम इंडिया में या नहीं, अभी मौके मिलेंगे लेकिन अभी इतना ज़्यादा टाइम है नहीं है। और आज से ही न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए देखना ये होगा कि श्रीलंका की टीम पहले खेल रही है, 2 गेंदों में 4 रन बना लिए हैं। और एक और बात बताऊँ इसके बाद भाई आज अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला ODI मैच खेला जाएगा, इसमें देखना ये होगा साउथ अफ्रीका के बैट्समैन किस हिसाब से राशिद खान और उसके स्पिनर से पार पा पाते हैं, यदि इसने साउथ अफ्रीका के, लेकिन भाई अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी कमज़ोर जरूर है लेकिन इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं कि साउथ अफ्रीका को थोड़ी बहुत टक्कर तो देने वाली है। और मैं बताऊं भाई कि देखना जो होगा कि प्लेइंग 11 में जैसे जसप्रीत जायसवाल चलते हैं
तो मजे कुछ और ही आएंगे और रन स्कोर भी कुछ और ही देखने को मिलेगा। इतनी बात जरूरी है कि भारत जब पहले खेलता है तो कम से कम 400 तो बनाकर ही छूटेगा यदि 90 ओवरों का गेम हुआ तो। और बताऊं भाई कि अगली बात तो इस बार के राहुल को मौका दिया गया है सरफराज खान की जगह पर। सरफराज खान चौके बोले हैं, रोहित शर्मा ने बयान दिया है कि जल्द शुभमन गिल ने पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो जल्द जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद जो है विराट कोहली और केएल राहुल संभाल लेंगे, क्योंकि भाई ऋषभ पंत भी हमारे ऐसे ही हैं जो कि आकर ही ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। और बताऊँ मैं कि देखना जो होगा कि अभी इंग्लैंड बनाऊँ ऑस्ट्रेलिया के पहला ODI मैच शुरू होने वाला।